भारत की पुलिस अब हनीप्रीत के पीछे पड़ चुकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस अगर डाल है तो हनीप्रीत पात पात। हनीप्रीत को गुरमीत के जेल जाते ही अंदेशा हो गया था कि अगला नंबर उसी का है, लिहाजा सजा सुनाए जाते ही हनीप्रीत ने अपने फरारी के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। फिलहाल हनीप्रीत की तलाश में पुलिस की नज़र नेपाल से सटे तमाम सीमावर्ती इलाकों पर है। हनीप्रीत मोस्ट वांटेड के पोस्टर गली गली चिपकाए जा रहे हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि अब इंडिया में हनीप्रीत की तलाश बेकार है, वो या तो नेपाल में हो सकती है या फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो नेपाल के रास्ते अब तक किसी और देश में फरार हो चुकी हो। लेकिन हनीप्रीत नेपाल क्यों भागेगी, इसकी तीन बड़ी वजह हैं। पहली वजह, नेपाल से हनीप्रीत का कहीं भी भागना बेहद आसान है। दूसरी वजह, नेपाल में भारत की पुलिस को दबिश डालने से पहले नेपाल पुलिस से कोऑर्डिनेट करना होगा। और तीसरी वजह, नेपाल में कई ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां हनीप्रीत अगर छिप जाए तो उसे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन होगा। नेपाल की सीमा से लगे कपिलवस्तु, मोहाना, शोहरतगढ़, लोटन और देवरुआ के पुलिस थानों को सावधान करते हुए वहां हनीप्रीत के पोस्टर्स लगाए गए हैं। खुफिया विभाग के कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया गया है। खासतौर पर 30 से 35 साल की हाई प्रोफाइल महिलाओं पर नजर रखने को कहा गया है जो कि नेपाल की तरफ जाना चाहती हों। सूत्रों ने भी बताया है कि पुलिस ने नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों की पुलिस को भी हनीप्रीत को लेकर अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि भारत से नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता, लिहाजा हनीप्रीत के लिए नेपाल जाकर वहां से दुनिया के किसी और मुल्क में भाग जाना बेहद आसान होगा। वहीं कुछ लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शायद पुलिस को अलर्ट होने में काफी देर हो चुकी है। हनीप्रीत इतनी शातिर थी कि भागने के लिए उसने इतना लंबा इंतजार किया ही नहीं होगा। फिलहाल हनीप्रीत का पुलिस की गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि हनीप्रीत अभी गुरमीत के कई ऐसे राज जानती है जो पुलिस को भी नहीं पता। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।